अधरों की प्रार्थना के बारे में बोलता है, हांसा के बारे कोई बात नहीं करता, कोई देवर्मा के बारे बात करता है, कोई चमत्ते के बारे बात करता है, कोई रियांग के बारे बात करता है, कोई गाइकेन के बारे, कोई त्रिपुरा के बारे, कोई अपना चकमा को हांसा नहीं है। तो हम आपको एक बात क्लियर बोल रहे हैं, महाराजा का इस्तेमाल और मत करो। आपने हमारा स्पीच सुना होगा परसों जो हमने कोरबू को बोला, हम आपको क्लियरली बोल रहे हैं, हम पार्टी से रिजाइन करते हैं। आप लोग जाओ जहां भी जाना चाहो। हमने कांग्रेस को छोड़ा था क्योंकि आप लोग ने बोला मुबाकरा आप टिपरासा का राजा है, टिपरासा के बारे में बात करो। हम यहाँ आके टिपरासा के बारे में बात किया, हमारा आपके सामने हमने टिपरासा नहीं देखा है, हमने देखा है कोई देवबर्मा है, कोई त्रिपुरा है, कोई रियांग है, कोई चमक है। आज 70 साल के बाद हम लोग ये पोजीशन में है ना, ये त्रिपुरा में ये पोजीशन है, भिखारी बन के हम लोग है क्योंकि हम लोग का गलती है। आप लोग वंशा को ब्लेम करता है, वंशा का कुछ गलती नहीं। क्या डिसिप्लिन है आपका? ग्रुपिज्म 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 हमको मार दिया आप लोग ने। कोई पैसे के पीछे भागता है, कोई कोई ईगो है तो बात नहीं करेगा, कोई और किसी के पीछे कॉन्ट्रैक्ट के पीछे भागता है, कोई एनडीसी बन गया ये मान गया तो आज प्रोग्राम में नहीं आएगा। पार्टी बड़ा है कि एडीसी बड़ा है? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, पार्टी बड़ा है कि सरकार बड़ा है? पार्टी बड़ा है। तो आप लोग क्यों ऐसा करके ये अपना पार्टी को क्यों हल्का किया आपने? हाँ इज्जत करो, ईएम का एनडीसी का इज्जत करो, सीएम का इज्जत करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ग्रुपिज्म क्यों करता है आप लोग? और ये पार्टी किसके लिए बना? आप लोगों ने हम प्यार भी करता है, आपको डंडा भी मारना है क्योंकि आपको प्यार करता है दिल से। पार्टी तीपरा नौथा पार्टी किसके लिए बना? तीपरा साहब के लिए बना। एक कोई त्रिपुरा कम्युनिटी, देवबर्मा कम्युनिटी, जवतिया रामपुर के लिए नहीं बना। तीपरा साहब कम्युनिटी को क्या चाहिए आज? हमसे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या चाहिए हम लोग? क्या मिलेगा? अपना राज्य मिलेगा, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिलेगा। छा मनुष्य कौन है यहां भाग छो जानते क्या बोलता है? करम से कहा दोनों करम से करम छोड़ दोनों हाथों मैक्सिमम यहां है। हम आपसे पहले बात जानते आप लोग रेप्यूटेशन क्या है? हमको किसी किसी ने बोला बीजेपी का लीडर है, अरे महाराजा आप क्या कर रहे हैं, करम छला और छामानू में लास्ट में टिपरासा का दिल में कुछ नहीं है, हार के लिए पैसा फेंकेगा तो ये 500 रुपए में वोट बेचेगा। हम इसके लिए आपके लिए फाइट कर रहे हैं। सीपीएम 25 साल हम लोगों को ऊपर शासन किया, हम लोगों को बंदर जैसा रखा, आज बीजेपी आके उल्टा काम करता है। हम क्या भी और कर रहा, हम बोल रहे हैं कि आप हमको वोट करके मुख्यमंत्री बनाओ, हमने बोला है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। आप लोग 500 रुपया में 1000 रुपया में एक दिन इस व्यापार किया उस ग्राम एक दिन वहां में, ये मेरा ग्रुप, ये उसका ग्रुप, ये परितोष का ग्रुप, ये रतीश त्रिपुरा का ग्रुप, ये अभिजीत त्रिपुरा का ग्रुप, ये वाईटीएल का ग्रुप, क्या है ये ग्रुप? जब आप लोगों को डंडा मिलेगा ना 2025 के बाद डिलिमिटेशन के बाद, तब कोई ग्रुप याद नहीं रहेगा। आपका खून देख लो, एक ही ब्लड ग्रुप होगा हम लोगों का, सब लोगों का एक ही ब्लड ग्रुप होगा।
हम लोग का ब्लड ग्रुप है क्या? पिपरासा। हम ये बात आप लोगों का दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोल रहा है कि हम लोगों को एमएलए कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दो। आपका खुद का मुख्यमंत्री होगा, आपका खुद का होम मिनिस्टर होगा, आपका खुद का डीएम होगा, आपका खुद का विलेज काउंसिल होगा, आपका रास्ता बनेगा, आपके स्कूल में अच्छा शिक्षा मिलेगा, विषय रहेगा घर में, नौकरी मिलेगा, आपके पास सब कुछ मिलेगा। आप मिजोरम को जाकर देखते हो, क्या था मिजोरम 25 साल 30 साल 40 साल पहले? कहां था नागालैंड 50 साल पहले? कहां था मेघालय? लेकिन जब उनको अपना राज्य मिला, और उन्होंने कहां था जब उनको अपना राज्य मिला तो कुछ मिला हम लोगों को। आपका टाइम तो गया, लेकिन आपका जो चला है, आपका बच्चा है, जो भविष्य है, ये हमें गुरु गुमा आप लोग समझो। आपका नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना है। हमको एमएलए टिकट चाहिए, हमको एमएलए टिकट नहीं मिलेगा तो हम बीजेपी में जाएगा। जाओ भारत माता की जय बोलते रहो, लाल सलाम बोलते रहो, सीपीएम में वंदे मातरम बोलते रहो। 70 साल से नहीं बोला है आपने। कोई लीडर बोलता है बुबागरा आई क्लॉक तो बुबागरा जो बात बोल रहा है उसको समझो। पॉलिटिक्स एक जगह में, दोफा एक जगह में, आपका दुश्मन करम शरम है। आपका दुश्मन कौन है? देवामा, रिया, त्रिपुरा, दारुलो, मारा, और जो असली आपका दुश्मन है, जिसने आपको 70 साल से दबा के रखा है, वो क्या है? वो हमारा लीडर है। क्षमा चरण कितना जीता था क्षमा उसे, आज कौन जीतता है? हम चाहते कृष्ण का बड़े बात नहीं कर रहे, नेशनल पार्टी जीतता है, आंचलिक पार्टी नहीं जीतता। कौन जीता है? नेशनल पार्टी जीतता है, कभी कांग्रेस को बीजेपी। पर हम लोग हम लोग रीजनल है, आंचलिक रहते हैं, कहां रहते हैं आप? आंचलिक है, बैठिए बैठिए, आपको रीजन करता है, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, लेकिन भला डिस्ट्रिक्ट में अंबासा में बीजेपी, धर्मशाला में बीजेपी, बीजेपी अगर बीजेपी नहीं जीतेगा तो कांग्रेस जीतता है धर्मशाला से, किसी राम नहीं जीता तो सीपीएम जीतता है। तो क्या है आंदोलन पार्टी? अपना गलती है, देखो समझो। सबसे गरीब एरिया हम लोग का धलाई डिस्ट्रिक्ट बोलता है आंचलिक पार्टी ने वोट कर ले, आप सुनो हम क्या बोल रहे समझो। आंचलिक पार्टी ने वोट कर ले किच्छु होवे ना, नेशनल पार्टी ने वोट कर ले डेवलपमेंट होवे, बोलता है ना रतीश? बोलता है ना, नेशनल पार्टी ने वोट कर ले डेवलपमेंट होवे, आंचलिक पार्टी ने वोट कर ले किच्छु होवे ना, ये उनका वक्तव्य है। तो छात्रों से कौन जीत रहा था 2008 से? सीपीएम, उसके बाद बीजेपी, करम शरण में कांग्रेस ही जीतते रहा था, उसके बाद अब बीजेपी से जीता। अंबासा में परिमल है, कौन सा पार्टी से है? आईपीएफटी तो नहीं है, आईपीएफटी तो नहीं जीत रहा था, पिपरा तो नहीं जीता, तो डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ ढलाई डिस्ट्रिक्ट में? इसे लॉलीपॉप है आपको, ग्रुपिज्म को बंद करो। हम कुछ गलती बोल रहे हैं? सीपीएम
25 साल तक डंडा मारते आपको चलाते रहा, वो लाल टोपी लगा दिया, लाल सलाम लाल सलाम, क्या मिला आपको? अभी लाल से गेरुआ टोपी हो गया, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, क्या मिला है आपको? सिर्फ पूरे जिंदगी स्लोगन बना के रखना है, तेले बना है ब्लॉक, कौन है तेले बना ब्लॉक से? कहा है तेले बना ब्लॉक? आप लोग को तेले बना ब्लॉक फुली ब्लॉक आपने ही तेले बना, हमसे एक बात, हमको एक बात बोलो, आपको किसको वोट करने थे? कल्याणी रोड़ा, हाँ कल्याणी रोड़ा को वोट करना है, अशोक गहलोत को वोट करना है, किसको वोट करना है? माता को नहीं, माता की किसी माता नहीं करने से हम क्यों बर्बाद करें? हम नहीं बैठे होते, ये ग्रुप से बैठेगा ना तो हम नहीं फेंकेंगे, हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, ये पैसा हम अपना प्रोफेशन देता है, कॉन्ट्रैक्टर से रुपया खा के ओएनजीसी का रुपया खा के हम नहीं देता है। तो तेलंगाना से आपको बीजेपी को वोट करना है करो, छोड़ो पार्टी, क्यों करना है उठा? तेलंगाना किसका लगा था? एकता है, आप तेलंगाना बाजार जाके देखिए, आप एक टी प्रसाद का शक्ल नहीं मिलेगा, हमको दुख लगता है 1980 दंगा के बाद आप लोगों को निकाला गया तेलंगाना से, इसके लिए हम मैसेज भेजना चाहता है कि हमको फाइट करेगा, जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा, तेलंगाना से फाइट करेगा। विजय राघव बोलता है जोर से मत बोलो, हार्ट में लगता है, लगता है बहुत खराब लगता है उनको, और आप लोग क्या कर रहे हैं? ग्रुप ऐसा राजनीति करना है, पहले से गरीब, पहले से वंचित, हम लोग का तीन राशा का भविष्य नहीं, तेलियापुरा में पूरा बाजार कैप्चर हो गया, हम चाहते हैं कि एक बात दिखाई लोगों को, जिसने हम लोग का जमीन लिया, हम लोग का पूरा भविष्य ले लिया, दांगा में घर चला के फेंक दिया, इनको जेल में लाके सिगरेट का पर्चे किया, ये तेलंगाना का इतिहास है, हमारा देवव्रत कॉलेज तेलंगाना से था, सब बेच के चला गया, मेवा का घर सब चला गया, आज तेलंगाना का सबसे बड़ा लीडर कौन था बता दिया, वो भी आज चला गया, क्यों? आज आपके पास एक तीपरा मोर्चा ने चांस दिया है आपको कि एक आंचलिक पार्टी तेलंगाना से फाइट करे, आप लोग फाइट नहीं कर रहा है, आप लोग एक साथ फाइट कर रहा है, एक दूसरे का अगेंस्ट फाइट कर रहा है, क्या मिल रहा है ग्रुप से? थोड़ा सोचो, हम नहीं वरना हम नहीं करें, तेलंगाना हो सामान्य हो करम शराब, हमने आज तक जिससे भी फोन किया परितोष शराब है, कहा है परितोष, परितोष शराब है, अभिजीत त्रिपुरा कहा है अभिजीत, ये खराब है, वाइटनेस का प्रेजेंट कहा है वो अपना आया कि हाँ ये खराब है, लेकिन कभी नहीं बोला कि जिसने हम लोगों को दबाया सीए के टाइम, वो मार्केट के सामने क्या मारा हम लोगों को? परितोष सीए के टाइम क्या हुआ? अच्छा मालूम करम चला नेपाल की तरफ, डुमस वाला की तरफ, कुकुर की तरफ हुआ था कि नहीं? प्रॉब्लम रतीश याद है कुकुर दिशा में क्या हुआ था सिटीजन सीए के टाइम? आज जो लोग वो लोग जिसने आपको मारा उससे पीछे भाग रहा है, 500 रुपया 1,000 2,000 रुपए के लिए, सिर्फ 6 महीना बाकी है, जवाब दे सकता है हम लोग, फाइट कर
रोने से कुछ नहीं होगा, ये रोने से कुछ नहीं होगा, दिखाओ शक्ति अपना। हम नहीं बोल रहे हैं कि आज मिजोरम का अपना राज्य है, मिजो के बीच में प्रॉब्लम नहीं है, नागा का बीच में भी प्रॉब्लम है, आओ अंगामी चाकासांग सेमा उनके बीच में भी प्रॉब्लम है, लेकिन उनका अपना राज्य है। तो जब तक राज्य नहीं मिला वो लोग ईश्वर का संग फाइट नहीं। खासी गारो जयंती में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जब राज्य का बात आया, मेघालय का बात आया, जब आसाम से मेघालय निकला तो ये लोग ने बोला हम लोग अपना प्रॉब्लम बाद में करेगा, हम लोग का जो प्रॉब्लम है पहले अपना राज्य निकालते हैं, उसके बाद हम लोग फाइट। मेघालय का मुख्यमंत्री कौन? लोकल। मिजोरम का कौन? लोकल। मणिपुर का कौन? लोकल। अरुणाचल का कौन? लोकल। और त्रिपुरा का कौन? भारत माता की जय। क्यों? क्यों हम लोग अपना लोगों से कम प्यार करता है और बाहर लोगों को निमंत्रण देता है? हम लोग कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, हम लोग अपना अधिकार के मांग। अभी अमरपुर में क्या पोजीशन है? एक साइड में रियांग है, एक साइड में जमत है। आप जमत और रियांग को दोनों को अगरतला में एडवाइजर चौकड़ी में हम रखेगा, और जब आप लोगों को डंडा मारेगा ना तब आप बोलना नहीं नहीं हम तो रियांग है, हम अलग है, ये जमतिया है। दोनों को ये लोग मारेगा, बोलेगा ये लोग भूख मारा, नाक के अट्टा करके मारेगा। एक हो जाओ, अमरपुर में हम लोग जीत सकता है। लेकिन रियांग सिर्फ रियांग के बारे बात कर रहा है, जमतिया सिर्फ जमतिया के बारे बात कर रहा है, मौसम सिर्फ मौसम के बारे बात कर रहा है। ओमपी में अपने बारे बात कर रहे हैं। अरे ये इसी के लिए तो 70 साल से हम लोगों का ये पोजीशन है, आज हम आपको क्यों बुलाए यहां पे? क्यों बुलाए हमने आज आपको? निमंत्रण क्यों दिए? डांटने के लिए नहीं, आपको क्लास देने के लिए। आप लोग भूल चुका है, इलेक्शन जीता है एक साल पहले किसी ने, आप लोग सब भूल चुका है। आपको लगता है कि हम लोग पावर में है तो अभी सब ठीक हो जाएगा, नहीं। ईएम्स एमडीसी आप लोग सब भूल चुका है। ये जो पावर है ना, ये शीना में हमने यहां में बिठाया सर, ये भी आया था पावर में 2000 में। क्या मिला? अरे इतना मुश्किल से खून पसीना राम अपना जिंदगी अपना पूरा शरीर देके हम आप लोगों को एक तरफ में लाना चाह रहे हैं। कांग्रेस को इसके लिए छोड़ा कि अपना प्रशासन को कुछ देना है। आज एमपी का सीट रोज बीजेपी बोलता है ले लो नहीं जाता, क्योंकि हम बोलता कि नहीं अपना प्रशासन को कुछ देना, अपना लिए नहीं चाहिए। और आप लोगों को हमको पोस्ट चाहिए, हमको पद चाहिए, हमको ये मिनिस्ट्री चाहिए, हमको ये हमको एमएलए चाहिए। हमको एमएलए नहीं दिया तो हम पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला जाए, हम कांग्रेस में चला जाएगा, सीपी में चला जाए। कोई कोई लोग को बोलता है तृणमूल में जाएगा, जो पार्टी छोड़ रहा होगा जो दंगा हो जाता वहां में जाएगा। यहां में तो चाकमा लोग कहा है चाकमा लोग? एक दो दो चाकमा से कैसे कैसे होगा? बोलता तीपरा मोटा चाकमा क्या नहीं करता? अरे हम आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है पूरा तीपरा साथ।
हम जानता है कि कप्तान में क्या हुआ, हम जानता है कि अरुणाचल में आपको कैसा रखा जाता है, हम झूठ नहीं बोलते। आपकी बुकुम भरा, हम लोग भी बुकुम भरा, हम लोग भाई भाई हो सकता है, भाई भाई हो सकता है, अलग अलग फाइट करेगा, कुछ नहीं। और यहां में सब लोग आके बोलते हैं विजय बाबू देख टेल मी एवरीवन टेल्स मी हमको एमएलए का टिकट नहीं दिया तो हम नहीं, हम बैठ जाएंगे। तो बैठो बैठो, बहुत मजा आया ना 70 साल में आपका परिस्थिति, आप खुशी है जैसा आपका परिस्थिति है 70 साल से, आप खुशी है? नहीं खुशी होगा, नहीं बहुत खुशी है 70 साल से, तो आपको वीआईपी बन के रहा है ना त्रिपुरा में। अरे अपना बच्चा के बारे सोचो, अपना नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचो। अगर हम खत्म हो गया, हम मर गया, आप लोगों को निकाल निकाल के 1980 दंगा जैसा उससे ज्यादा खराब था आपको खत्म करेगा, डंडा से नहीं मारेगा, आपको खत्म ही कर देगा। हम खासा किसके लिए बोल रहे हैं, प्रलांड के लिए बोल रहा है, ग्रेटर की प्रलांड के लिए बोल रहा है। हम नहीं बोल रहे कि खांसा पूरी जिंदगी रहो, 6 महीना को खांसा रख सकता है, 70 साल से गुलामी क्या है, नौकरी क्या है, 6 महीना का ये एक टिपरा साथ दूसरा टिपरा साथ के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, क्या प्रॉब्लम है आपको? इतना अहंकार है, ईगो है, हम एनबीसी बन गया, हम ईएम बन गया, ये मेरा ग्रुप, ये उसका ग्रुप, आपका एक ही ग्रुप है, क्या है आपका ग्रुप? पिप्रसा ग्रुप। क्या है आपका ग्रुप? एमरेज। अक्टूबर में क्या इलेक्शन है, जीतेगा? हम आपको राइटिंग में दे देगा, नहीं हम आपको राइटिंग में दे देगा। सामान में नहीं जीते, करप्शन में नहीं जीते, अमरपुर में बहुत जगह में हारे, मातावारी में हारे। मातावारी कहां है, कहां मातावारी? क्यों मतदान चाहे बोलो, हम नुआतिया है, वो रियान है, वो जमातिया है, हमारा सेवा को लेकर है नहीं है, इलेक्शन मेंबर एक इलेक्शन मेंबर नहीं है। क्यों? हम तो देख रहे हैं, अभी हम भाषण देगा, आप लोग सुनेगा, दुबारा आयुक्त प्रोटो बाहर जाएगा, हम पता बोल बोलते आप सब इतना डंडा मार के आपको लाइन में लाना पड़ेगा। विलेज काउंसिल इलेक्शन हम लोग नहीं जीते, वातावरण से नहीं जीते, नॉट गोइंग। क्यों जानता? ईगो, अहंकार, ग्रुपिज्म। आपका घर जल रहा है, आप बोलेगा वो तो मेरा भाई का घर है, मेरा घर नहीं जल रहा है, वो आग ना, आपका घर में आग लगेगा, आप बोलेगा अरे ये तो मेरा भाई का घर है, मेरा घर तो यहां में है, उसका जलने तो हमारा घर तो ठीक है। जब वो आपको घर में आएगा तो बोलेगा बचाओ बचाओ बचाओ, तो आपका भाई बोलेगा हमारा घर जल रहा था, आप नहीं आया, अब हम आपका घर में नहीं बचाए।
असेंबली जीतना है, टिकट चाहिए, नहीं आपका अधिकार है टिकट मांगने, पहले डीसी जीत के आओ, हम देखेगा कहां में जीता कहां में हारा, उसके बाद हम देखेगा किसने काम किया, ईएम ने काम किया हो या ओनिफार ने काम किया हो या विजय राठौर ने काम किया हो या मैंने काम किया हो या रतीश ने काम किया हो या अभिजीत ने काम किया या परितोष ने काम किया हो या महेंद्र ने काम किया हो, गौरव ने काम किया हो, कोई भी हो, सुरजीत मोदी का जो भी हो, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेगा किस रूप से। आपको बहुत कुछ लगा है, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट नहीं आया, सामने जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट कहां है, वहां में आप पहले अपना क्षमता दिखाओ, अपना आप काम ही नहीं जीत सकता है, अपना वोट भी जीत सकता है। यहां में हम लोग सब जो लीडर अपने आपको बोल रहा है, पहले अपना वोट भी जीत के दिखाओ, अपना गांव में जीत के दिखाओ, उसके बाद हम लोग फिर से बैठेगा और बोलेगा यहां में जीता यहां में हारा, और जहां में हारा वहां में हम एमएलए की टिकट नहीं देंगे, हम नहीं दे रहे, ठीक बोल रहे हैं। डीसी इलेक्शन अगर हम लोग जीत गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी समझेगा कि टिपरा मोथा और टिपरा साल, टिपरा मोथा को छोड़ो, टिपरा साल रेडी है, तब दिल्ली का गवर्नमेंट हम लोगों का बात सीरियसली लेगा, टिपरा लैंड ग्रेटर टिपरा लैंड। अगर डीसी हार गए तो असेंबली में फाइट करने का दरकार ही नहीं, खत्म हो गया। अक्टूबर में इलेक्शन है, नवंबर में रिजल्ट, और अगर हम लोग जीता, अगर नवंबर में जीता, अभी आईपीएफ की जा रहा है दिल्ली अभियान, 100 आदमी लेके, अगर हम लोग डीसी जीता, हर जीतने वार्ड विनर को, हर लीडर को, हम लोग 2-3 ट्रेन में हम लोग दिल्ली जाएगा, ये लोग बोलता है दिल्ली चलो, हम लोग दिल्ली भरो करेगा, पूरा दिल्ली में मुकुंदरा को भर के हम लोग एक साथ, ये मुकुंदरा आपका मन मरने तक फाइट कर सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आप हमको हेल्प नहीं करेंगे तो हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। हम लोग दिल्ली जाएगा, 2,500, 3,000 टिपरा साल दिल्ली जाएगा, और सिर्फ जंतर मंतर में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, इंडिया गेट के सामने हम लोग अपना बुरी को लेके हम लोग जाके प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा इंडिया को दिखाएगा हम लोग। और अगर बीसी इलेक्शन जीता, विलेज काउंसिल इलेक्शन जीता, तो बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा, अरे ये लोग जीत गए, लेकिन अगर हार गए हम लोग तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, इलेक्शन के टाइम 500, 1,000, 1,500, 2,000 रुपए मिलेगा, अगर वही आपको चाहिए तो हमको छोड़ दो, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द पार्टी, हम पार्टी से रिजाइन करता है, हम वापस चला गए, अपना हमको ट्रीटमेंट कराना है, हार्ट का किडनी का, हम चला गए, हम आज ही रहेंगे। लेकिन अगर आपको अपना भविष्य के बारे में सोचना है, अगर आपको अपना टिपरासा के बारे में सोचना है, अगर आपको स्वार्थी नहीं होना है, अगर आपको अपना हार के बारे में सोचना है, अगर आपको अपना भविष्य के बारे में सोचना है, तो आप दिबागरा को नहीं जिताएगा, आप टिपरासा को जिताएगा। एमएलए बनना है किसी को, अरे एमएलए बन के क्या होगा, 1952 से एमएलए बन रहा है, आज तक कम से कम 500 टिपरासा एमएलए बन गया, पैसा खाएगा,
रेस्ट में। क्या बोला था आपने हमको? हमको एमएलए बनना है भाई, हमको एमएलए नहीं बनना है, हमको नहीं बनना है एमएलए, हमको तीन प्रस्ताव को कुछ देना है, आपको एमएलए बनना है। आप पहले अपना दबाव को कुछ दो, उसके बाद जीतो पहले, उसके बाद हम लोग बैठेगा बोलेगा हां यहां से जीता, यहां से हारा, कंपेयर करेगा। प्रेसिडेंट साहब हम आपको डांट रहे हैं क्योंकि हम आपको अपना बच्चा समझता है। उसके बाद पहले सेमीफाइनल जीतो, पहले सेमीफाइनल जीतो, उसके बाद फाइनल में जीतेगा। हां कि नहीं? और जो लोग बोलता है महाराजा का आदमी है हमको टिकट मिलेगा, हम आपको सबको बोल रहे हैं महाराजा का सब है, पहले मेरे काउंसिल जीतो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा किसको मिलना है क्या। एक तरीका होता है, हम पहले आपका कमिटमेंट देखना चाहता है, प्रूफिज्म देखना नहीं चाहता। हम 50 साल से पॉलिटिक्स कर रहा है, हम 30 साल से पॉलिटिक्स कर रहा है, हम 20 साल से कर रहा है, हम 2 दिन से कर रहा है, नथिंग मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज योर कमिटमेंट टू योर पीपल, टू योर लैंड एंड योर इंटेग्रिटी, आपका सच्चाई। और जो लोग अपना परिवार को सामने रख के एडीसी में नौकरी ले रहे हैं, अभी मैं देखता हूं कि वो उनको नौकरी चाहिए या तीपरा मौथा में उनको पोस्ट चाहिए, मैं देखता हूं। जब तक हम लोगों का तीपरा सा गरीब है, हम लोग अपना आप को सामने नहीं रखेगा, पहले जाति को रखेगा, उसके बाद अपना पार्टी को रखेगा, उसके बाद अपना परिवार को। और जो लोग अपना परिवार को सामने रख के पॉलिटिक्स करता है उनके लिए तीपरा मौसम में जगह नहीं। जब तक दुबारा है देर इज नो स्पेस फॉर नेपोटिज्म इन माय फैमिली इन द पार्टी। विरेज काउंसिल जीतेगा, जीतेगा कि सब लोग बोले जीतेगा, जब रिजल्ट आएगा नहीं जीता तो आपका काम। आज जो मीटिंग हमने रखा है, आई हैव दिस मीटिंग, क्यों हमने क्यों मीटिंग रखा, कोई बता सकता हमने ये मीटिंग क्यों रखा? कोई खड़ा होकर बता सकता है? क्योंकि हम लोग बोल चुका है बहुत रहा, इसलिए आपका मोटिवेशनल स्पीच हम लोग दे रहे की बात हम लोग फिर से आप लोग भूल चुका है। आज से 15 महीना पहले हम लोग जब जीता था तो हम लोग क्यों जीता था? तीपरा लैंड बोल के, ग्रेटर तीपरा लैंड बोल के आईपीएफटी क्यों खत्म हुआ? भूल गया बुबागरा, अभी तक नहीं भूला। अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता तो कब से बीजेपी के साथ, सीपीएम के साथ, कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग करके आराम से हम लोग पावर में होता। आप लोग भूलो मत कि कॉम्प्रोमाइज करने से हम लोगों का भविष्य नहीं रहेगा। हम यहां में ओमले काइपिंग है, एक काइपिंग ने बोला, हमने बोला आपको काइपिंग को नौकरी नहीं मिला, हम दिलवाता है। तो बोला कि काइपिंग को अगर नौकरी नहीं मिला तो एक मैं काइपिंग की प्रमुख का सपोर्ट नहीं, हमको बोला वो आदमी, हमको बोला, हम आपने बोला कि आप सबने बोले। मंत्रीलाल कैके को जब मारा था तो क्या मुकुमारा ने मारा था? गलती हुआ है, हम लोग ठीक करेगा, मैं ठीक करूंगा, मैं गारंटी है। लेकिन हमारा माथा में बंदूक रख के अगर आपने नहीं किया तो हम लोग नहीं काम करेगा, ये क्या ब्लैकमेल है क्या? हमको ब्लैकमेल कर सकता है क्या? आप लोग
पार्टी मेंबर जो विजय राठौर ने बोला था रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं? लास्ट डेट कब था सबमिट करने के लिए? 31 जुलाई। कौन सा ब्लॉक ने मेल दिया है? ऑलमोस्ट ऑल ब्लॉक इज नॉट सबमिटेड। हां ऑल ब्लॉक नहीं दिया तो ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब कारण थाना ने कितनी मिली है? फॉर्मर ब्लॉक आई गॉट थ्री बुक्स हमारे टू बुक फिनिश एंड मोर 40 पेज नाउ 40 नंबर्स टू मैनेज सो विद इन दिस ऑल ऑफ कंट्री यू हैव टू गिव मी ऑल द मेंबरशिप बाय द 50th ऑफ ऑगस्ट। मातावारी का ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब अभी तक आपको हम जानते ही आ रहे क्यों नहीं मिला था? अब तक रैली माताबारी से फाइट करना है क्या विक्रम माता को कि नहीं? हम लोग विप्लव घोष को सपोर्ट करेंगे। काशीराम मियां जीतता था माताबारी से, हमारा माता महारानी राजमाता जी कुमारी जीतता था, अब तो माताबारी से विप्लव घोष जीते या वरना हम माताबाई से कैंडिडेट नहीं, हम नहीं देगा कैंडिडेट आपको। ब्लॉक प्रेसिडेंट भी नहीं है यहाँ पे तो क्या चाहिए आपको? अमर ब्लॉक प्रेसिडेंट कब तक आप पार्टी का फॉर्म दे सकते हैं? वरना अमरपुर से हम कैंडिडेट नहीं लेगा, हम बोल दो अगर 15 तारीख आप नहीं दूंगे। हम्पी प्रेसिडेंट साहब Thank you.
इनको मेंबरशिप फॉर्म ही नहीं मिला। आपने नहीं दी? क्या? तो इसको क्यों नहीं? आपको रिसीव कर सकते हैं? ये कॉन्स्पिरेसी है क्या? हम लोग अच्छी तरह माता को कमजोर करने के लिए कि आप लोग सिर्फ लीजी तो ब्लॉक प्रेजेंट में यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे ब्लॉक प्रेजेंट है नॉट करेंगे आपको नहीं आप लोग क्या एक सर आपका नाम क्या है आपका नाम आप लोग क्या दुश्मन है आप लोग कहाँ रहता है तो क्यों नहीं एक सर को प्रेसिडेंट का थ्रू क्यों नहीं किया प्रेसिडेंट आपको मालूम है नहीं आप लोग दोनों को ना आप लोग दोनों को सस्पेंड कर देना आपको भी करेगा जाओ बीजेपी जाओ और वहां पे आधार कार्ड काटना क्रिश्चियन को हम लोग कैलेंडर नहीं करते हैं आपको क्रिश्चियन होता है आपका क्या हुआ YTF तिपरा मोथा एक ही पार्टी है TWF तिपरा मोथा YTF एक ही पार्टी है पेरेंट पार्टी है तिपरा मोथा आंसर 20 प्रोग्राम में किया है भाषण दिया है आप लोग ने लेकिन जब काम होता है अपना एरिया में वो सेल्फी लगा के महाराज कुछ नहीं Do we have more forms? आपके फॉर्म बिना ब्लॉक प्रेस को कैसे चुके लोग जिनके ब्लॉक मीटिंग करके जो बुक किया उसको दूसरे करके कितना कौन सा तारीख बाद में देखा पहले डंडा मारेगा नो वीडियो
और हमारा अधिकार है आपको झंडा मारना। क्यों? हम आपका बाप है, हम आपका पिताजी है। ग्रुपिज्म का मोथा में कोई पार्ट नहीं है। भेजो नंबर है पूछा ना कि हम अभी निकालते थे। हाँ नंबर है इसका, आपका नंबर है इसके पास, पीडब्ल्यूएफ का कहा है आपके पास है इन दोनों का नंबर हीरो का? हाँ आप लोग तीनों बात कर लो, मिला ठीक। अभी कौन है चेयरमैन? मतलब मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है हर तो अगर ब्लॉक प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं है। नहीं मीटिंग हुआ था तो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी थे तो रिसीव करके ब्लॉक प्रेसिडेंट को इनके हाथ में नहीं दिया। तो हम चाहता है जो कमल सिस्टम में चलना है, सिस्टम के बाहर नहीं चलना है। इनका हाथ में नहीं दिया ये क्यों? तो इसको क्यों प्रेसिडेंट बना के रखा है? नहीं पता नहीं नहीं हम पिता मोर्चा का चेयरमैन है विजय राघव प्रेसिडेंट है, आप इसी प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट को बाईपास कैसे कर सकते हैं? हम तो नहीं नहीं ये आपकी फेयर प्ले है। तीनों ब्लॉक प्रेसिडेंट को कितने सरकार के बुक टू बोल दी दिया दूसरे सरकार पापा भी है। अभी हम चाहते हैं सब लोग अग्री करता है कि नहीं मुझसे सुनो 15 तारीख को आप लोग पीओ बैठेगा भी पीओ बैठे ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद 15 तारीख को ये लिस्ट आप इनको देगा और हम आप तीनों का नंबर भी लेगा। अगर 15 तारीख को नहीं आप दोनों को तो हम धंधा मारे आपको तो नहीं काटू ठीक है आप दोनों को हम पनिशमेंट देंगे और अगर आपने ठीक से काम किया तो हम आपको इनाम भी देंगे ठीक है। फिर देखो धमकाना वरना अभी तो हम तो अभी डांट रहे हैं विजय राम को जवान होता तो बंदूक से भी गोली मारी। हाँ विजय बाबू यू हैव टू रिवॉल्वर आई कैन टेक इट। और कौन बुरा बाकी रहा? सामने को रख दिया हम लोग कहीं फाइट कर रहे थे हम जाते थे हम ये पैन को वहां में जयनामा में चाय पी के आ गया। हाँ वो हेल्पेज पार्क में घूम के आए थे तो यहाँ भी विजिट करते आप वहां पे गर्लफ्रेंड है आप ब्लॉक आप हमको बताओ कब तक होगा तब तक आप हमको मेंबरशिप को क्या बुझिया को मेंबरशिप रहने का मैंने मौसम बिजनेस है मौसम बिजनेस उसके बाद दिल्ली भरो अभियान के लिए रेडी है और आप हमको प्यार करता तो हमको धोखा मत हम डिसाइड करेगा पहले आप लोग बीसी इलेक्शन जीतो सब लोग यहां पहले बीसी इलेक्शन जीतो अपना कामी में जीतो अपना वार्ड में जीतो उसके बाद हम लोग बैठेगा
एक परिवार बन के बैठेगा, पहले सेमीफाइनल जीतेगा, उसके बाद डिसेंबर में बैठेगा, यहाँ पे जीता, यहाँ पे कमजोर है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेगा किसको एमएलए बनना है, किसको एमएलए का टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसी को ऑटोमेटिकली पसंद नहीं होगा। पहले अपना क्षमता दिखाओ, अपना कामी है, अपना वार्ड में जीतो, उसके बाद मैं उपाग्रह डिसाइड करेगा ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो कोई हम महाराजा का आदमी है नहीं है, आप लोग सब उपाग्रह का आदमी है, उपाग्रह का सिपाही है, वॉरियर्स। हमारा प्रेसिडेंट साहब, आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, हम आपको हेल्प करें, हम आपको हेल्प करें। पहले आप अपने एरिया में दिखाओ कि आपके पास दम नहीं है, ठीक है? हम गलत बोला कुछ? ग्रुपिज्म आज के बाद हमको कंप्लेंट सुनाई मिलेगा? हाँ, 23 तारीख को हम लोग पूरा तरह से आंदोलन शुरू करेंगे, और अब से फरवरी तक हमको ग्रुपिज्म नहीं, हम आगे उपाग्रह जब दिल्ली जाएगा वीसी इलेक्शन जीतने के बाद होम मिनिस्टर से मिलेगा, आप लोग सब मेरे साथ रहेंगे, जंतर मंतर हो, इंडिया गेट हो, पार्लियामेंट हो, तब हम लोग चिट्ठी देगा और तब हम लोग बोल सकते हैं, गर्व से बोल सकते हैं, हम लोग जीत के आया है, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर हार गया तो भीख मांगना है, और भीख में कुछ नहीं मिलता। ये 2022 जमाना बदल गया, अगर भीख मांग के दिया तो आपको मुड़ी मिलेगा, लेकिन डिमांड किया क्योंकि हानि के साथ कौन है, आप चिंता नहीं करो, जितना भी लगेगा मैं खर्चा करूंगा। और मरने से पहले आपको खुद शत्रु देकर खुद से बोल दिया, जब गुबागरा ही एमएलए का टिकट नहीं, मैं एमएलए का इलेक्शन नहीं करता, मैं चाहता हूं कि मैं छावानों में जाके आपके लिए कैंपेन करूं, मैं चाहता हूं कि मैं गरम छड़ा में जाके आप लोग के लिए कैंपेन करूं, मैं चाहता हूं कि आपके घर में बैठ के दो दिन रुकूं इलेक्शन के टाइम, मैं चाहता हूं कि माताबाड़ी में आके कैंपेन करूं, तेलियामुरा में आके कैंपेन करूं, कृष्णपुर में आके कैंपेन करूं, आपका घर में आके चाय पी तो उसके घर में भांगुरी खाऊं, मैं अमरपुर में आके दिखाना चाहता हूं कि हम फाइट कर सकते हैं, मैं अगर एक जगह में एमएलए के इलेक्शन फाइट किया तो एक ही जगह में फंसा रहूंगा, मैं पूरा टुकड़ा में कैंपेन करना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना टीपरा सा कुछ चाहिए। और अगर आपने दिलीप काउंसिल जीता आप दुबागरा को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग ने ग्रुपिज्म के लिए विलेज काउंसिल नहीं जीता तो आप दुबागरा को कमजोर नहीं कर रहे, आप पिछड़ा को। ये फाइट सिर्फ दुबागरा का फाइट नहीं, ये फाइट पूरा जाति का है। और प्लीज मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज अपना ईगो, अपना अहंकार को दूर रखो, आप कोई भी हो, एमडीसी हो, ईएम हो, कोई भी हो, पिपरा लैंड, ग्रेटर पिपरा लैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट पार्टी। और ये बात जो हमने आज आपको बोला है, आप लोग जाके गांव में बात करो, आज आप हमेशा गुबागरा को देखा है 15,000, 20,000, 1,00,000 आदमी के सामने, आज सामने बात कर रहे हैं, ये प्रद्योत विक्रम मानिक आज तक नहीं बदला, हमने देखा है बहुत लोग
इलेक्शन जीतने के बाद बदल जाता है, इलेक्शन का पहले कुछ और बोलता है, इलेक्शन के बाद कुछ और बोलता है, लेकिन हम जिस दिन से इलेक्शन जीता है आज तक बेतकलीफ रहा खान साहब बाबा के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए राजनीति कुछ नहीं है, हमारे लिए पीपरासा हमारा हाथ हमारे सब कुछ। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, अगर मैंने आपको डांटा है, डांटा नहीं है तो प्यार से डांटा। हमने देखा है कि हम लोगों का पीपरासा को कैसा खराब तरीके से रखा जाता है। आप लोग गुरु ही था, आप रो रहे हैं, आंसू से कुछ नहीं मिलेगा, उबाकर भी बहुत रोया है, लेकिन हम आपको बोलता है बुरुई परिवार को एक संग रख सकता है, चकमा हो, जमतिया हो, देवबर्मा हो, कलोय हो, रामपोल हो, कैपे हो, और कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, बंकर हो, कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं, सब लोग एक हो, एक होगा तो हम लोग जीते, अगर अलग अलग हुआ कोई नहीं। आप लोग मेरे साथ हैं, दलाई दलाई मोहम्मद भाई, थैंक यू, दलाई दलाई मोहम्मद भाई थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग आया, मैंने जो आपको बोला है आज आपका असली क्लास मैंने दिया, आप एक नहीं पचास बात बोलो खत्म करने के बाद आप और भी केसेस है भूभाग रहे सर, वो सेंट्रली सबका हम लोग सेंट्रली एक तरीका निकालेगा, ठीक है, वो आप चिंता मत करो, ये लोगों को चाबी लगाना हम जानते हैं, ठीक है, उसका तरीका निकालेगा। पहले आप अमरपुर में रियांग जमतिया का दोस्ती करो, आप रियांग है तो फिर रियांग एरिया में जाएगा नहीं होगा, हम लोग का जमातिया के एरिया में भी जाना है, और कोई जमातिया तो रियांग के एरिया में भी जाना है, भाईचारा रखो, थानसा रखो, हम लोग सब एक, त्रिपुरा है, मौक है, यार मौक कहां है, आया कोई मौक, देखो ये गुबागा तो सब मालूम है, इसीलिए आप लोग सबको एक संग करके आप लोग फाइट करो, और हम आपको गारंटी देता है, हम आपको गारंटी देता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और बीजेपी सीपीएम कांग्रेस कोई भी कांग्रेस फैक्ट्री नहीं है, बीजेपी सीपीएम दोनों को हरा के प्रेशर डाल के आपके लिए बेटर की तैयारी हो, आप किसी को विश्वास मत करो, भूभागर के ऊपर तो विश्वास करता है, बस बेलाई मोहम्मद भाई Thank you, Pulta.